देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के चलते आज बुधवार को करनाल के जीटी रोड स्थित गुरुद्वारा में रागी जत्थे पहुंचे। आपको बता दें कि यह रागी जत्थे अमृतसर से चलकर किसानों की सहायता करने के लिए यहां पहुंचे हैं। इन रागी जत्थों के यहां पहुंचने पर गद्दी नशीन संत बाबा जोगा सिंह महाराज द्वारा इनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जो इतनी कड़ी सर्दी में किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनकी सहायता के लिए एवं मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने के उद्देश्य से कीर्तनी जत्थे यहां पहुंचे हैं। इन सबका यही उद्देश्य है कि जो भी समस्या किसानों के साथ चल रही है, सरकार मिल बैठकर इसका जल्द से जल्द हल निकाले, ताकि किसान अपने अपने घरों की ओर रवाना हो सके। इस मौके पर अमृतसर से आए संतों ने कहा कि देश का किसान जो दिल्ली बॉर्डर पर सर्दी में बैठा हुआ है, उनकी सहायता के लिए भारी तादाद में उनके साथ लोग दिल्ली पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि यह जत्था अमृतसर से चलकर गत रात्रि करनाल के जीटी रोड स्थित गुरुद्वारे में ठहरा और यहां पर लंगर का प्रबंध किया गया था। उन्होंने किसान आंदोलन चल रहा ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮਗਰ ਉਸਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਆੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆੜੀ ਰਵਾਈ ਆ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਬੁੱਧੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਗੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਾਜ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਸੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਆਓ ਆਓ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ कहाँ से आए सर क्या कहेंगे आज आप दिल्ली के लिए आए हैं अमृतसर से क्या मामला है देखिए ऐसा है कि हम अमृतसर से ये पूरा मार्च शुरू किया था और इस मार्च में पूरे पंजाब के रागी जत्थे हैं कथावाचक हैं कमिश्नर हैं ढाडी सिंह हैं जो भी हैं जो प्रचार करने वाले हैं इससे कम के जो किसान भाइयों के घर सुबह शाम जा कर के कीर्तन करने वाले हैं जिनके साथ किसानों का बहुत गहरा रिश्ता है उन किसानों की हेल्प के लिए उनका सहयोग करने के लिए समुच्चे ही रागी सिंह जो अमृतसर से चले हैं लुधियाना और पटियाला अमृतसर सब रागी जत्थे इधर मार्च में पहुंच रहे हैं जो संघर्ष चल रहा है हमारा प्रयोजन है हमारे किसानों के साथ जा कर के जो उनकी मांगे सरकार नहीं मांग रही उनका समर्थन करने का हमारा प्रोग्राम बना वही प्रोग्राम है जो चल रहा है तो सरकार ने लिख कर देने के लिए भी मान लिया है कि वो MSP नहीं ख़त्म करेगी लिख के दे रहे तो उसके बाद अमित शाह के साथ भी रात बातचीत हुई परंतु वो सफल नहीं रही ये जो है ना ये जो हमारी किसान संघर्ष कमेटी है वो ज़्यादा बेहतर आंसर दे सकते हैं वैसे मैं तो ये कहता हूँ अगर किसान कह रहे हैं कि हमें ये 3 कानून नहीं चाहिए तो मेरे ख्याल से अड़ी नहीं करनी चाहिए किसानों की बात मान करके जैसे वो खुश रहते हैं पहले भी तो काम चलता ही था ना काम रुका थोड़ी ना था तो इसलिए उनको ये सोचना चाहिए कि अगर नहीं चाहिए किसी को कोई चीज़ सरकार करके जो कानून में जहाँ कमी है वो दूर कर देते हैं कानून टोटली बात कमी की नहीं है बात जो समझ रखते हैं जिन्होंने पढ़ा ये पूरा वो बोल रहे हैं कि आज ये कानून जो कह रहा है ये कल को इसका स्वरूप और बनना है कई बार हमें कुछ दिखता नहीं जैसे
दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता मगर होता है ना, तो मक्खन में देसी घी दिखाई नहीं देता मगर होता है ना, पर जिसको ये पता है उसको ही पता है कि है ये किसान भाई ऐसे नहीं सड़कों पे बैठ के, इनको पता है। मेरे ख्याल से जिनके पास कोई एक भी एकड़ ज़मीन का नहीं है, जो ज़मीन में गेहूं उगाते नहीं है, उनको नहीं पता होता ये किसान क्या बोल रहे हैं। तो किसान जो बोल रहे हैं किसानों की बात माननी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर किसानों के लिए कानून है तो किसानों ने उनको नहीं चाहिए तो नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से किसानों की जैसा कि 3 मीटिंग विफल हो चुकी है सरकार के साथ, आप क्या समझते हैं किसान अड़े हुए हैं या सरकार अड़ी हुई है? किसान नहीं अड़े हुए, किसान तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, वो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अड़ना उनका होता है जिन्होंने कानून बनाए, वो अड़ते हैं। किसान तो हाथ जोड़ कर भी कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए, अड़ी तो उनकी है जिन्होंने बना कर बोला नहीं कि आप हम आपके ऊपर लागू करेंगे। अगर मैं आप मेरे घर पर आओ तो खाना खा के आ जाओ, मैं आपसे पूछूं ही नहीं खाना खाओगे कि नहीं खाओगे, फिर भी मैं खाना बना लूं, फिर मैं आपको बोलूं धक्के से कि खाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने तो बना लिया है, तो फिर आप यही बोलोगे ना कि मैं तो खाना नहीं था तो क्यों बनाया। अड़ना किनका होता है जिन्होंने बनाया है, उनका अड़ना नहीं होता है जिन्होंने जो आपके घर पर चल के गए हैं। जो किसान हैं उनका अड़ना नहीं है, वो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या सरकार कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ बिकी हुई है इसलिए अड़ी हुई है? मेरे ख्याल में तो बिकना तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिकी हुई है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए सरकार अभी भी थोड़ा उनका पक्ष ले रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिक चुकी है ऐसा है, क्योंकि जिसका प्रूफ ना हो वो बात नहीं करनी चाहिए। कितनी जत्थेबंदियाँ अमृतसर से आई हैं, पंजाब से आई हैं? पूरे ही जत्थेबंदियाँ, जितना कीर्तन करने वाले रागी साहबान हैं, कथावाचक हैं, जो भी धर्म का प्रचार करने वाले, सब धर्मी लोग हैं, कोई सियासी लोग नहीं है, ये सब बानी पढ़ने वाले अरदास करने वाले हैं, समर्थन में वहाँ। इसीलिए आज अरदास समागम किया गया, हमारी तरफ से तो अरदास ही की जा रही है, कोई और काम नहीं किया। कितने दिन का धरने प्रदर्शन में बैठे? देखो धरने प्रदर्शन में बैठने की बात ऐसा है कि हम लोग तो यहाँ से समर्थन के लिए जा रहे हैं, आगे जो किसान भाई इनकी सेवाएं लेना चाहेंगे वो हमसे कीर्तन करवाना चाहेंगे तो भी करेंगे, अगर वो कोई अदर सेवा लेना चाहेंगे और सेवा लेना चाहेंगे तो सारे भाई एक प्यार का सबूत देते हुए उनके पास बैठ करके उनकी बात मान के हम लोग जितनी गिनती में भी उनके पास रह सके, ऐसा नहीं कि सब लोग रुक जाएंगे, क्योंकि ये लोग ड्यूटी देने वाले हैं, गुरुद्वारा में सेवा देने वाले हैं, सब लोग तो नहीं रुक सकते, मगर फिर भी हम अपना संगठन जो है हमारा उसमें से ड्यूटी लगा करके जितनी देर तक ये संघर्ष शांतिपूर्ण ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग किसानों के साथ डटे रहेंगे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, किसानों के साथ रहेंगे। क्या नाम आपका पूरा जी? मेरा नाम भाई गुरदेव सिंह है, हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर। सिंह साहब, जैसे खालिस्तान की विदेशों में मांग उठ रही है, इससे जोड़ा जा रहा है सरकार से प्रचार कर रही है, एसएलवाई का मुद्दा जोड़ दिया गया इसके साथ? वो बिल्कुल गलत जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर किसानी की बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो समझ लेना कि वो किसानों को भटकाने की बात कर रहा है। सरकार के नेताओं ने खालिस्तान का जो दिया कि जितने प्रदर्शन खालिस्तानी है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर तो किसान की बात हो रही है। अच्छा चलो, पंजाब के लोगों को तो आप किसान खालिस्तान के पक्ष में बोल दोगे, तो जो मध्य प्रदेश से आए हैं, यूपी से आए, क्या वो भी खालिस्तान हैं? वो तो किसान ही है ना। तो यहाँ पर बात किसानी की करो मेरे भाई, बात किसानी की करो। खालिस्तान भी ऐसा नहीं है कि कोई बुरा शब्द है, खालिस का मतलब होता है शुद्ध, तो शुद्ध लोग ही है ये, सब लोग शुद्ध लोग हैं, किसान शुद्ध लोग हैं। हाँ, ये शुद्ध लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं। तो बेनती है मेरी सबसे कि इसको किसी भी पक्ष में मोड़ना नहीं चाहिए, किसान की बात मान करके जो उनका हक है उनको देना चाहिए। सरकार अगर नहीं झुकती तो क्या करेंगे? ये झुकती अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई झगड़े का माहौल बने, सब शांतिपूर्वक बैठे हैं, देखते हैं कितनी देर और जलता है, अभी तो बैठे हैं ना। जैसे कि पंजाब में 2-2.5 महीने से ये प्रदर्शन चलता आ रहा है, अब जाके हरियाणा में देखो, अगर चलता रहा है तो वहाँ पर भी कोई अनसुखावी घटना नहीं वापरी है, किधर भी अगर इतने दिन से बैठे हैं तो कोई भी घटना नहीं वापरी है, और कोई भी किसान ऐसा काम नहीं करेगा मेरे ख्याल से। जो भी हमारे बुजुर्ग वहाँ पर इसको लीड कर रहे हैं वो बड़े सियाने हैं, सूझवान हैं, वो अपने सब लोगों को बड़े प्यार से समझा बुझा करके जो इंसान का हक होता है संघर्ष करना, अपना मांग करनी, वो कर रहे हैं। जैसे कि पंजाब में तो सरकार कांग्रेस की है, फिर उसका बात अभी मेरे पास अब प्लीज की तरफ से कि भैया सब लोगों ने रात भी अरदास की है, हम आप सब सरकारों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि
किसानों का हक उनको जल्दी मिले और सब लोग खुशी खुशी अपने घर पे जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब, हाँ पंजाब से, अमृतसर से, और हमारे साथ और भी रागी जत्थे के जो मेंबर हैं उनसे भी जानते हैं। सर किस लिए आ जाए सभी देखिए। दास हरदीप सिंह आज सिंह जी धरती गुरुद्वारा करतारपुरी साहिब जी सिटी करनाल नहीं जो किसान भाई इस संघर्ष में बैठे हैं, महात्मा गांधी का जो उपदेश है अहिंसा परमो धर्म, सच में उसको फॉलो कर रहे हैं। सरकार झुकने को तैयार नहीं है। उनकी नौबत नहीं इतनी आनी चाहिए थी कि दिल्ली तक उनको पहुंचना पड़ता, उनके घर जाके उनकी शिकायतें सुनी जाती। जिस आस उम्मीद से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना गया था उस पे खड़े नहीं उतर रहे। तो वहाँ पर प्रदर्शन भाग लेंगे आप जाकर के बैठेंगे? हम उनकी सपोर्ट में जा रहे हैं, उनको उनका समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरदीप सिंह है। कहाँ से आए? करनाल से हूँ, गुरुद्वारा करतारपुरी साहिब से। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.